मैं अगर हथियार उठा लेता तो उसके लिए दोषी कौन होता? मैंने गलत किया था ना, सजा मुझे मिलना चाहिए था ना। मैंने अगर सरकार के नजर में गलत वीडियो बनाया था तो सजा मुझे दो ना। मेरे कंपनी के सारे स्टाफ के ऊपर एफआईआर, वो आग जलेगा तो कुछ लोगों को जलाएगा जरूर, और उस आग को मैं चीन के युद्ध में लड़ने वाला मेरे दादाजी, उनका ये घर है। मेरे नाम पे नहीं है, मेरे पिताजी के नाम पे नहीं है, मेरे चाचा के नाम पे नहीं है, मेरे बड़े पापा के नाम पे नहीं है। इस घर का कुर्की किया गया सर, इस घर का कुर्की किया गया। ये आग जो है ना, ये सीने में ऐसा जल रहा है ना, और उस घर का कुर्की किस लिए किया गया था पता है? मैंने एक मदन हाजरा का बेटा के दिल में छेद था, 9-10 साल का बच्चा था। उन्होंने कमा के अपना जमा पूंजी जो है बैंक में जमा किया था कि मैं उस पैसे से अपने बेटा का इलाज कराऊंगा, और वो बैंक से गायब हो गया था। मैंने पूछा कि नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो नहीं, मोबाइल बैंकिंग नहीं, एटीएम कार्ड नहीं, तो पैसा गायब कैसे हुआ? उन्होंने बोला कि मनीष जी आप लड़ सकते हैं, आप मेरे लिए आवाज उठाए। उनके लिए आवाज उठाया, मदन हाजरा का बेटा का जान बचाना था। मेरे ऊपर मैनेजर साहब ने केस कर दिया कि मनीष कश्यप आके उपद्रव मचाए हैं बैंक में, जबकि मैंने बैंक के बाहर वीडियो बनाया था। उस केस में मेरे घर का कुर्की हुआ। कुर्की करने वाले लोगों को इतना पता होना चाहिए, मेरे घर में चापाकल है, उस चापाकल को उखाड़ लिया गया। कोई मोटर नहीं है, कोई टंकी का पानी नहीं है, देख सकते हैं, देखिए इस घर को, ये मेरा घर है। बारिश के दिनों में यहाँ पे पानी लग जाता है और मेरे घर में पानी घुस जाता है, मेरे घर में, ये आपको पता चलेगा, सब दिखेगा। ये जो मेरे दादाजी चीन के युद्ध में लड़े, उन्होंने ये बड़ी मेहनत से घर बनवाया था, और उस घर का जो है चौकी केवाड़ सब कुछ उखाड़ लिया गया, सब कुछ। क्यों हम लोग सोए थे उस समय? लेकिन गांव में जैसे ही आप आए, एक विजय जुलूस के रूप में आपको प्रशंसा से कैसे देखते हैं कि विजय जुलूस, और इतना बड़ा जुलूस? मैंने अपने जिंदगी में तो इतना बड़ा जुलूस नहीं देखा था, मैंने अपने जिंदगी में नहीं देखा था। आप लोग देखे होंगे, बहुत सारे लोग देखे होंगे, मैंने नहीं देखा था। मैं 5.5 किलोमीटर दूर रामपुरवा बिरवा में के बीच में रोड पे जो है पोखरा है, वहां से मैं जो है आ रहा हूँ, और 4-5 घंटा लगा। गांव में जब आया तो मुझे उम्मीद नहीं था कि जो लोग पहले जब मैं शुरू किया था कहते थे कि मुनुआ के बेटा इंजीनियरिंग कैला के बाद पगला गई, वो लोग अपने घर पे दीपावली दीपक जलाए थे, सभी लोग मेरे गांव के लोग, उन लोगों को भरोसा था कि ये ससुरा अब जोन बाटे कुछ ना तो कुछ करी जरूर। पूरा गांव के हर घर पे दीपक जला था, आप लोग जाके देख सकते हैं, प्रत्यक्ष किंग प्रमाणम, आप लोग यहाँ पे हैं, जाके देखिए। कल से जैसे आप निकले हैं लगातार पूरा बिहार आपका स्वागत कर रहा है, तो बिहार के लिए आप आगे क्या करते? मैं दशरथ मांझी जी के गांव में गया था, उनके भूमि को नमन किया, और उसके बाद से मैं अपनी माँ से मिलने आया। रास्ते में कम से कम 100 जगह मुझे रोका गया, स्वागत किया गया। ये उम्मीदों का बिहार बदलता हुआ बिहार है, और बिहार का उम्मीद भी बदल गया है। अब जो लोग दीमक की तरह कुर्सी पे बैठ के बिहार को नोचते थे, खाते थे, उन लोगों से बिहार को अब उम्मीद नहीं है। देखिए इस घर को कुर्की किया गया, इस गेट में क्या है, 1 लाख मारिएगा, अंदर घुस जाइए, 1 लाख। डर नहीं है कि चोर आएगा हमारे घर में? हमारे घर में कुछ नहीं, बच्चा को आएगा ही नहीं, नहीं डर है। ये देखिए, ये मेरे भगवान का घर है, इसमें तो गेट ही नहीं है। मेरी छोटी भाई की पत्नी इस घर में रहती है, उसका दरवाजा तोड़ दिया गया, उसका दरवाजा तोड़ा गया, मिट्टी का घर है ये, पूरा मिट्टी का घर है। ये घर में मेरी माँ रहती है, जाके देखिए उस घर को, उसका दरवाजा तोड़ दिया गया। मेरी बहन यहाँ पे रहती है, गेट तोड़ दिया गया। इंसानियत कहाँ मर गया था उस समय, कहाँ मर गया था लोगों का इंसानियत? लोग कहते हैं मनीष कश्यप अपशब्द बोलता है, मनीष कश्यप रिलाई जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। जब मेरे साथ ना इंसाफी हो रहा था तो इस बिहार के बुद्धिजीवी IAS IPS मीडिया वाले कहाँ मर गए थे? क्यों नहीं दिखाया कि इस घर का जो है कुर्की नहीं होना चाहिए था? मैंने गलत किया था ना, सजा मुझे मिलना चाहिए था ना। मैंने अगर सरकार के नजर में गलत वीडियो बनाया था तो सजा मुझे दो ना। मेरे कंपनी के सारे स्टाफ के ऊपर FIR कर दिया गया, यूपी का स्टाफ है, बिहार का स्टाफ है, सबके ऊपर FIR कर दिया गया। क्यों ऐसा किया गया मेरे साथ? वो आग जलेगा तो कुछ लोगों को जलाएगा जरूर, और उस आग को मैं बुझने नहीं दूंगा, चाहे मेरे साथ कुछ भी कहे नहीं हो जाए। क्यों ना हो जाए, आए बिहार के लोग और देखे मेरे साथ क्या हुआ था और मेरे साथ कैसे गलत हुआ। मेरी चाची यहाँ पे रो रही थी, बोल रही थी कि नहीं मनीष कश्यप नहीं रहते हैं यहाँ पे, मेरा चापाकल को उखाड़ लिया गया, बगल में एक ही चापाकल है, पानी पे आप रोक लगाएंगे? कहाँ संविधान, कहाँ न्यायालय, कहाँ सब लोग थे? क्यों ऐसा किया मेरे साथ? मैं अगर हथियार उठा लेता तो उसके लिए दोषी कौन होता? लेकिन मैंने सोचा
कि भारत का पावन भूमि है और उसमें से भी पावन भूमि बिहार है, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं क्रांति लाऊंगा। माँ लगातार कल से स्वागत के लिए थी, माँ का भी समय। मेरी माँ जो है उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन मेरे लिए लड़ते रही। क्यों नहीं पढ़े लिखे लोग जो है मेरे माँ के आंखों का आंसू पूछने आए? मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है इनका, उसके बावजूद जो है रोती रही क्यों नहीं आए लोग? क्यों क्यों ऐसा हुआ? क्यों एक युवराज जो है जिन्हें कुर्सी का पे बैठने का हवस इतना चढ़ गया है कि वो नहीं देख पा रहे हैं कि किसके साथ क्या हो रहा है? क्यों बिहार के गद्दी पे कुछ धृष्टराष्ट्र लोग बैठे हुए जो अपने आंखों पे पट्टी बांध के जो है ना उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, अत्याचार कर रहा है, उसको रोका जाए अभी, समझ में आ रहा है? कैसे देखती है चाची, कल से स्वागत के लिए आप बैठी हुई थी, कैसे देखा था नहीं? तो बेटा सामने बढ़ा, सामने बढ़ा ना बेटा, अभिनंदन बहुत खुश बनी, लेकिन जो डरी हुई है मेरी माँ, जैसन जो करी थी भगवानों को फल दिया। मेरी माँ जो है मुझसे कह रही है कि छोड़ दा ये सब बेटा, चलो दिल्ली, चलो मुंबई, चलो दूसरा जगह, हमर मालिक कमाई हन आ तू बैठ के खाई है, छोड़ दे सब। डरी हुई है, पूछिए इनसे, इनके आंखों में डर दिख रहा है, समझाती है मुझे, छोड़ दो, मत करो किसी के लिए। तुम इतना काबिल जरूर हो कि तुम अपना पेट पाल सकते हो, अपनी माँ का पेट पाल सकते हो, अपने परिवार का पेट पाल सकते हो, और मैं उतना काबिल हूँ, मैं कमाल का सिविल इंजीनियर हूँ, मैं चाहूँ तो कहीं भी 2 लाख रुपया महीना पे जो है अपना पेट पाल सकता हूँ, अपनी माँ का, अपने पापा का, अपने भाई का पेट पाल सकता हूँ। निश्चित तौर पर मनीष कश्यप अपने गांव पहुंचे हैं, परिवार के साथ जरूर पहुंचे हैं, लेकिन बिहार को बदलने के लिए एक बड़ी हुंकार भी जरूर भरी है। मुन्ना राज, न्यूज 18, महाना, पश्चिम चंपारण। बहुत ज्यादा हो गए इनका, कोई बात नहीं है, लड़के निकाल।